नमस्कार, टाइनोट सॉफ्टवेयर के पीएमएस ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। आज का जो ट्रेनिंग टॉपिक है एक्टिवेशन ऑफ क्लाउड ड्राइव। इस फीचर के माध्यम से आप अपने डाटा को कैसे सेव करेंगे, रीइंस्टॉल करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। इससे अगर किसी कारणवश आपका डाटा क्रैश हो जाता है, डायरेक्ट सिस्टम चलते चलते बंद हो जाता है, हार्ड डिस्क करप्ट हो जाता है, या किसी कारणवश सिस्टम चोरी हो जाता है, तो आप अगेन कैसे सिस्टम से डाटा, मतलब क्लाउड से डाटा निकालकर आप रीइंस्टॉल करेंगे, और रीइंस्टॉल कराए कैसे अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग आपको आपके पीएमएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से दिखाते हैं कैसे हम लोग क्लाउड एक्टिवेशन करते हैं। क्लाउड एक्टिवेशन करने के लिए आपको सबसे पहले अपने कंपनी में बात करना होगा, सर्विस सेंटर में, और वहाँ पर आपको लाइसेंस वेरीफाई किया जाएगा, और उस लाइसेंस पे आपको क्लाउड एक्टिवेशन कर दिया जाएगा। अगर वहाँ से आपको रिप्लाई मिल जाता है क्लाउड एक्टिवेशन का, तो कुछ नहीं, सबसे पहले प्रोग्राम को हम लोग बंद करते हैं। डेस्कटॉप पर जो पीएमएस का आइकन, उस पर राइट बटन क्लिक किए, और यहीं पे हम लोग रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक किए, अगेन यस। यस करने के बाद हम लोग यहाँ पे ओपन किए, ओपन करने के बाद एक्सेप्ट करा दिए, न्यू डीएन से ओपन किए हम लोग। इसके बाद सबसे ऊपर में हेल्प दिया हुआ है, हेल्प पे क्लिक करेंगे, रजिस्टर री न्यू पीएमएस, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फॉर्म का नाम, लाइसेंस नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और जीएसटी नंबर, ये सारा फुलफिल करके यहाँ पे हम लोग सबमिट करा देते हैं। यहाँ पे एक मैसेज दे रहा है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, मतलब आपका लाइसेंस रजिस्टर्ड हो गया। अगेन जीएसटी नंबर आपका बता रहा है यहाँ पे, और आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन इट्स इज रिक्वेस्ट टू रीस्टार्ट प्रोग्राम, क्लिक ओके देन क्लोज द प्रोग्राम। जैसे ही इसको हम लोग ओके करेंगे, हम लोग का प्रोग्राम रीस्टार्ट हो जाता है। रीस्टार्ट होने के बाद फिर से जब हम लोग का अगेन ओपन होता है, तो हम लोग यहाँ पे बैकअप पे जाके देखते हैं। बैकअप पे क्लिक किए, क्लिक करने पर यहाँ पे एक न्यू बॉक्स हम लोग को मिलता है, बैकअप टू पीएमएस क्लाउड ड्राइव। बैकअप टू पीएमएस क्लाउड ड्राइव पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने पे जितना भी मेरा डाटा रन कर रहा है, वो सारा डाटा यहाँ पे दिख जाता है, पीएमएस 1 और पीएमएस 8। ये मेरा दो डाटा अभी रन कर रहा है, वो डाटा दिख जाता है। अगर आप फर्स्ट टाइम क्लाउड एक्टिवेशन कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे क्लिक करके सारे डाटा पे और स्टार्ट टू पीएमएस क्लाउड ड्राइव पे क्लिक कर देते हैं, तो ये आपका डाटा अपलोड होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल फाइल दिख रहा है, टोटल दो फाइल आपका अपलोड हो रहा है, टोटल अपलोडिंग अभी नहीं हुआ है, टोटल इग्नोर फाइल, अगर इसमें से कोई एक डाटा को अगर आप टिक नहीं लगाते तो टोटल इग्नोर फाइल वो हो जाता। कुछ इंटरनेट की वजह से, अगर मान लेते हैं डाउनलोड हो रहा है, इसकी वजह से आपका फेल हो गया, तो यहाँ पे टोटल फेल डाटा दिखाएगा। क्लाउड स्पेस अलाउटेड, टोटल आपका स्पेस कितना अलाउटेड किया गया है, क्लाउड स्पेस यूज आपने कितना यूज किया है, क्लाउड स्पेस फ्री आपका टोटल कितना स्पेस फ्री है, और अपलोडिंग साइज टोटल 119 MB आपका डाटा है दोनों मिला के। अब यहाँ पे टोटल 0% हुआ है, अभी 1% होगा, 2% होगा, 3% होगा, इस तरह से धीरे धीरे आपका 100% हो जाता है। तो फर्स्ट टाइम जब भी हम लोग क्लाउड में डाटा भेजते हैं, तो थोड़ा सा स्लो जाता है, लेकिन अगेन आप भेजेंगे तो आपका ये करेंट डाटा 8 नंबर को ही बार बार क्लिक करके भेजना होगा। तो इस तरह से हम लोग अपने क्लाउड डाटा को सेव कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं रीइंस्टॉल, माने किसी कारणवश अगर हमारा हार्ड डिस्क करप्ट हो गया, सिस्टम चोरी हो गया, तो कैसे डाटा को रीइंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर क्लिक किए, यहाँ पर अपना सबसे पहले करेंट पाथ में हम लोग पाथ चूज कर लेते हैं, पीएमएस क्लाउड ड्राइव, पीएमएस क्लाउड बैकअप पाथ। अब यहाँ पे हम लोग डीएसटी डेमो, और यहाँ पे फॉर्म का नाम सर्च कर लेंगे, जो हमारा फॉर्म है
PMS डेमो। जैसे ही यहाँ पे सर्च करेंगे हमारा यहाँ पे सारा डाटा दिख जाएगा कि PMS 8 नंबर मेरा एक बार लिया हुआ। इसी पर क्लिक करेंगे, F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पर रीस्टोर कर देंगे। तो मेरा रीस्टोर बैकअप, बी केयरफुल करेंट डाटा में बी लॉस्ट, आर यू श्योर टू रीस्टोर डाटा फाइल, यस करिएगा, ये आपका डाटा रीइंस्टॉल हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने डाटा को रीस्टोर भी कर सकते हैं, रीस्टोर फील्ड। तो इस तरह से अपने डाटा को रीस्टोर भी कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाना ना भूले। धन्यवाद।